तो यहाँ पे है चाय बार, जहाँ पे हम चाय पियेंगे। और सड़खाल मार्केट, यह है गवाणी मार्केट। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका देव हूँ उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज देखते हैं हम कहाँ जाने वाले हैं। वैसे हमारा प्लान बना हुआ है सड़खाल मार्केट जाने का। तो सुबह के 9 बज चुके हैं और मैं निकल चुका हूँ अपने घर से। बाकी हमें जाना है स्कूटी में और आज हम जा रहे हैं सड़खाल साइड को। तो उस साइड के गांव में आपको दिखाऊंगा। धूप भी आ चुकी है और मौसम भी बिल्कुल ठंडा है, तो चाचा मेरा ऊपर वेट कर रहे हैं। तो जल्दी से निकलते हैं और आपको लेके चलते हैं आज सड़खाल मार्केट साइड को। A few moments later. तो अभी बज चुके हैं 10:30 सुबह के और हम पहुंच चुके हैं सड़खाल के सामने। यहाँ नीचे कमेड़ी गाँव है और यहाँ हमारा काम है बाल विकास परी, क्या है ये परियोजना, और यहाँ पे थोड़ा सा काम है। उसको करने के बाद एक चक्कर जाएंगे सड़खाल मार्केट में और उसके बाद निकलेंगे घर के लिए। तो अभी सुबह के 11 बज चुके हैं और यहाँ पे हमारा जो काम था वो भी हो चुका है। अब निकलते हैं यहाँ से, हाँ सड़खाल मार्केट चलेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे घर के लिए। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस साइड के गांव मार्केट। हाँ नीचे है कमेड़ी गांव, ये आप उसका गेट देख सकते हो, ये कमेड़ी का यात्री साइड है। सामने ही सड़खाल मार्केट है और यहाँ नीचे है कमेड़ी गांव। थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, अगर यहाँ से दिखेगा तो यहाँ से ठीक नीचे उसका मंदिर दिखाई दे रहा है, महादेव का मंदिर है यहाँ नीचे और गांव इस साइड को है। और यहाँ ऊपर है आंगनवाड़ी का ऑफिस जहाँ पे उनकी मीटिंग होती है। तो अभी हम आ रखे हैं बीना धार में और यहाँ बीना धार है नीचे ये वाला गांव, और उसके उस साइड वाला गांव है बीना गाड़। और यहाँ ऊपर आपको पोखरा दिखाई दे रहा है, ये पोस्ट ऑफिस है और मल्ला बीना यहाँ ऊपर है। तो हम यहाँ पे आ रखे थे घूमने के लिए और ये जो हमारे विधायक हैं सतपाल महाराज जी, उनका यहाँ पे आवास है। और ये वाला जो यात्री साइड है ये है बीना धार का, और यहाँ से थोड़ा सा नीचे है धैड़ गांव। हाँ ये है धैड़ गांव और यहाँ पे आप देख सकते हो सारे खेतों में लोगों ने हल लगा दिया है और घास भी यहाँ पे लगभग सबने काट ही दिया है। तो यहाँ पे है चाय बार जहाँ पे हम चाय पियेंगे। तो यहाँ से नीचे रास्ता गया है सड़खाल और उबोट लखोली गांव के लिए। सड़खाल मार्केट, यह है सड़खाल मार्केट, खाली पड़ा हुआ है आज। ये खतरनाक सी भाई, भाई नमस्ते। तो हम निकल चुके हैं सड़खाल मार्केट से और अब आपको लेके चलते हैं चबट्टाखाल की तरफ। बाकी यहाँ नीचे है कमेड़ी गांव जिसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये देखिए आप। तो ये है पूरा नीचे कमेड़ी गांव, वहां तक फैला हुआ है पूरा और बहुत ही बड़ा गांव है। बाकी ठीक सामने यहाँ से लखोली दिखता है, वो वाला गांव जो आपको दिखाई दे रहा है, और ये है सड़खाल मार्केट। तो यहाँ ऊपर है उचीर जहाँ पे बहुत पहले मतलब टूर्नामेंट होते थे लेकिन अब बंद हो चुके हैं। और यहाँ सामने है लियाखाल की स्कूल, हाँ पता नहीं जुवालों में। यहाँ सामने इंटर कॉलेज है लियाखाल, यहाँ पे एक व्यू पॉइंट बना रखा है ऊपर, और बाकी यहाँ पे होते थे टूर्नामेंट, बहुत साल से हुए भी नहीं है। तो ये हम पहुंच चुके हैं लियाखाल में और यहाँ पे इंटर कॉलेज है। बाकी यहाँ से रास्ता गया है सिलेत गांव के लिए। और यहाँ से जो गांव दिख रहा है ये है लुठा गांव, और यहाँ ठीक ऊपर एरोली गांव है
जहाँ आपको ये दो टावर दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ ऊपर बिल्कुल जंगल का इलाका है। तो कहाँ कहाँ गांव बसे हुए हैं इस साइड को, और यहाँ पे भी लोग बसे हुए हैं अकेले। बाकी जो गांव है सिलेट, वो यहाँ खेतों के उस साइड को है। तो ठीक सामने है सिलेट गांव, यहाँ से लेके और ठीक यहाँ तक बहुत बड़े बड़े पेड़ हो रखे हैं, इसलिए थोड़ा सा गांव साफ नहीं दिखाई दे रहा है। और हमको जाना है ठीक उस वाले पहाड़ पे, वहाँ पे देवराज खाल है और चौबट्टा खाल है ठीक यहाँ ऊपर। और यहाँ नीचे लूठा गांव वाले अपने खेतों में हल लगा रहे हैं। देखिए ठीक सामने ये देखिए आप, यहाँ पे एक भाई अपने खेत में हल लगा रहा है, और उस साइड को पानी भी है, मतलब वहाँ ऊपर पहाड़ों से आ रहा है पानी नीचे, तो खेती भी यहाँ पे अच्छी होती है पानी की जगह पे। और यह है लूठा गांव, पूरा गांव एक ही सामने है, मतलब जितने भी घर हैं सारे एक सामने हैं। कुछ कुछ घर हैं जो अब अलग साइड को बन चुके हैं। यहाँ पे नीचे प्राइमरी स्कूल है, और लोगों ने अपने घर थोड़ा सा गांव से अलग अलग साइड को बना दिए हैं। जैसे कि ठीक एक घर यहाँ ऊपर है खेतों के ऊपर, और कुछ घर यहाँ नीचे बने हुए हैं। तो इस गांव में निरंकार देवता की बहुत ही बड़ी पूजाई होती है। मैंने एक वीडियो में देखा था जब यहाँ पे निरंकार देवता की पूजाई हो रही थी, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग इस गांव में आ रखे थे और बहुत ही ज़्यादा भीड़ उस टाइम पे इकट्ठा हुई थी। तो अभी हम रुके हुए हैं यहाँ पे, एक छोटा सा मंदिर है, और कारगिल की जब लड़ाई हुई थी तो उसमें ये जो हमारे भाई जी तो ये शहीद हो गए थे, और यहाँ पे उनकी स्मृति में एक मंदिर बनाया गया है। उनका नाम ज्ञान सिंह बिष्ट। जय बद्री विशाल, जय जवान जय किसान। 20/7/1966 से 14/7/1999 को देश के धर्म कार्य में समर्पित कर दिया। तो उत्तराखंड को वीरों का गढ़ भी कहा जाता है, बहुत सारे वीर यहाँ पे पैदा हुए हैं। और अभी हम पहुँचने वाले हैं सिरकोट गांव में। यहाँ से सिरकोट गांव शुरू होता है, गांव थोड़ा सा ऊपर साइड को है। और इस गांव में मैं पहले कुछ दिन पहले ही आया था, जब यहाँ पे पूजा हो रही थी नंदा देवी की। बाकी जहाँ नजर जा रही है वहाँ सारी महिलाएं अपने खेतों में घास काट रही है, और ये आ चुके हैं हल लगा के। गांव भी ठीक ठाक ही है, कुछ घर इस साइड को है और कुछ घर इस साइड को है ऊपर। माणिकनाथ जी इनके इष्ट देवता है। तो ये सामने है चोपड़ा गांव, ऊपर कुटियाखाल की स्कूल है, कुटियाखाल इंटर कॉलेज कुटियाखाल। और यहाँ नीचे खेत हैं जो सारे कर रखे हैं, और कुछ लोग अपने खेतों में हल लगा रहे थे सुबह के टाइम पे। और यहाँ से रोड जा रखी है ऊपर झलपड़ी के लिए और ड्यूला के लिए। और ये है चरगाड, यहाँ छोटा सा मार्केट भी है, और जो गाँव है वो थोड़ा सा ऊपर साइड को है। यहाँ से शुरू होती है पैदल यात्रा रसलान दीवा माता का मंदिर वहाँ के लिए। तो ये जगह थी चरगाट, और यहाँ ऊपर चोपड़ा गांव है। ये गेट है चोपड़ा गांव का, और ये है चरगाट बाजार, और यहाँ ऊपर गांव है। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, वो है लोधी गांव। यहाँ नीचे बहुत सारे पॉली हाउस लगा रखे हैं, बहुत सारे नहीं, 4 पॉली हाउस लगा रखे हैं, और इस साइड को नीचे लोगों ने स्वरोजगार कर रखा है।
बाकी ये रोड जा रखी है पोखड़ा के लिए, जो कि कच्ची है और टूट भी रखी है, और महिलाएं आ चुकी हैं घास लेके। बाकी यहाँ ऊपर चोपड़ा गांव है और यहाँ सामने गवाणी मार्केट, सामने है किमगढ़ी और उसके ऊपर दांथा और मालकोट, मालकोट इस साइड को है और दांथा गांव सामने है। और यहाँ से ठीक यहाँ ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है कि रोड जा रखी है नीचे, वो है अनपुर, यानी कि आनंदपुर गांव। लोग अनपुर बोलते हैं लेकिन उसका नाम आनंदपुर गांव है। और ये वाला गांव है किमगढ़ी, जो कि बहुत ही बड़ा गांव है इस इलाके का, 4 की 5 मोहल्लों में बटा हुआ गांव है। बाकी अभी हम पहुंचने वाले हैं गवाणी मार्केट में और आपको भी दिखाते हैं। और यहाँ से ठीक यहाँ ऊपर डुईला गांव है और इस साइड को पूरा ऊपर जंगल है। यहाँ से ऊपर रोड कटी हुई है झलपाड़ी गांव के लिए। यहाँ से ऊपर कुटियाखाल के स्कूल और झलपाड़ी गांव है जो रोड जा रखी है। और आजकल इस पुल पे पेंट का काम चल रहा है तो लोग पेंट कर रहे हैं यहाँ पे। यह है गवाणी मार्केट। यहाँ पे एक बैंक भी है, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक। चवट्टखाल यहाँ से 12 किलोमीटर है। तो अभी हम रुके हुए हैं लोधी गांव से थोड़ा सा आगे और यहाँ पे हमने पानी पिया। यहाँ ठीक ऊपर मालकोट है और पहाड़ों में आपको ऐसे प्राकृतिक स्रोत, जल के स्रोत आराम से देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही ठंडा पानी है, बहुत ही मीठा पानी है। तो अभी हम इस धार में रुके हुए थे और यहाँ से जो बैजर है वो है 56 किलोमीटर, पोखड़ा है 16 और गवाणी 2 किलोमीटर है। गवाणी ठीक सामने है, ये गवाणी मार्केट है और ऊपर गवाणी गांव है। यहाँ से ऊपर ठीक यहाँ ऊपर जहाँ पे रोड दिख रही है वहाँ डुईला गांव है और सारे गांव भी है लेकिन उनके नाम मुझे याद नहीं है। और जो दीवा माता का मंदिर है वो ठीक इस वाले पहाड़ की चोटी पे है। तो यहाँ से है पैदल रास्ता चरगाड मार्केट से और यहाँ ऊपर पड़ता है झलपाड़ी गांव, जो कि थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे ये सिरकोट गांव है और यहाँ नीचे मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन कर रखा है किसी ने, 2 टैंक बना रखे हैं बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे स्वरोजगार कर रखा है। यहाँ पे ठीक रेसर है, यह आप देख सकते हो। यहाँ पे भी कुछ लोगों ने मतलब रहने के लिए घर बना रखे हैं और यहाँ नीचे खेत भी यहाँ पे कर रखे हैं लोगों ने, अच्छी बात है। और ये रोड जा रखी है तो रोड के बहुत सारे फायदे भी हैं। यहाँ पे लोग अपने छोटे उद्योग भी लगा सकते हैं अगर ये रोड बन गई तो, और खेती तो हो ही रही है लगभग बहुत सारे नौजवान हैं जो अभी खेती कर रहे हैं यहाँ पे। ये सामने आप देख सकते हो इन खेतों में हल लगा रखा है, जो ये वाले खेत दिखाई दे रहे हैं आपको, तो बहुत अच्छी बात है कि जो युवा है उत्तराखंड का वो अपने पहाड़ों में छोटे छोटे उद्योग और बहुत सारे जो खेती बाड़ी का काम है वो कर रहे हैं। खेती बाड़ी में जैसे मत्स्य पालन और मुर्गी फार्म, मशरूम का हो गया, बहुत सारे काम है जो यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये है किलवास गांव यहाँ नीचे। यहाँ से रास्ता गया है किलवास के लिए, किलवास गांव के लिए। 3 गांव है, एक गांव उस साइड को है, एक यहाँ पे और एक गांव यहाँ पे है। भरतपुर, सुंदरई, नौलू और डबरा गांव है ऐसे। यहाँ पे दरबार, पीर बाबा का दरबार है यहाँ पे ऊपर, और किलवास गांव है ये नीचे।
बाकी इस साइड को गुलदार का आतंक बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो यहाँ के लोग शाम के टाइम पे शायद से मुश्किल से ही घर से निकलते होंगे, क्योंकि दो या तीन आदमियों को यहाँ पे उसने अपना निवाला बनाया था। ये देखिए आप, मुश्किल से 10 से 15 परिवार होंगे उस गांव में, और यहाँ पे होंगे 3 से 4 परिवार। तो सारे परिवार ने अपना घर छोड़ दिया है, या तो वो मार्केट में शिफ्ट हो गए हैं या फिर शहरों की ओर चले गए हैं। यहाँ पे छोटा सा एक वाटरफॉल है, ये देखिए आप, और ये वो गांव है जहाँ पे कोई नहीं रहता है आजकल। वहाँ पे कोई आ रखा है शायद से घर पे, उन्होंने आग भी जला रखी है और जो वाला कपड़े हैं वो बाहर निकाल रखे हैं धूप में। बाकी आप देख सकते हो कि जो घर हैं उनके आसपास में कितनी बड़ी बड़ी झाड़ियां हो रखी हैं। ये वाली जो जगह है ये बिल्कुल सुनसान जगह है, और यहाँ पे जो आवाज आई है वो बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पे शाम के टाइम पे अकेले सफर ना करें, खासकर बाइक या स्कूटी में, क्योंकि आप देख सकते हो पूरा जंगल का इलाका है और जो गांव है वो बहुत दूर दूर है। ये जो यात्री शेड है ये है भरतपुर का, सामने ही भरतपुर गांव है, भरतपुर सुंदरई। ये वाला चमनाव है, तो उस साइड को गांव है उसका नाम है सोंडल। रोड के ऊपर साइड को सोंडल है और नीचे साइड को चमनाव गांव है। यहाँ से रोड जा रखी है नीचे चमनाव सोंडल के लिए, लेकिन पूरी रोड खराब है। और ये है प्रेमनगर, चमनाव गांव का एक मोहल्ला है शायद। यहाँ पे माल्टे का जूस मिलता है, माल्टा आंवला, यहाँ से मैंने आंवले का जूस लिया था। यहाँ से वाड़ा जी हैं जो ये काम करते हैं जूस बनाने का। ये है सोंडल गांव का प्रवेश द्वार, यहाँ से नीचे सोंडल गांव है, यहाँ पे है सोंडल गांव नीचे। और धुंध देखिए कैसी लगी हुई है पहाड़ों पे, क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं पहाड़। तो अभी दोपहर के 2:18 हो चुके हैं और मैं पहुंच चुका हूं अपने घर पे, और चवट्टखाल के बाद मैंने ब्लॉग शूट नहीं करा, उसके बाद गाड़ी मैंने चलाई। बाकी अभी देखिए आप कितनी प्यारी सी धूप आ रखी है, क्योंकि आजकल ठंडियों का टाइम है तो इतनी तेज धूप नहीं लग रही है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, उम्मीद करता हूं आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय देव भूमि उत्तराखंड, बाय बाय।